है मसल के पास मैसेज, ओके दिस इज द मैसेज गोइंग, ठीक है। ये जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे न्यूरॉन और मसल फाइबर इंटरैक्ट करते, ठीक है। अब मैसेज मसल को क्या गया है, कॉन्ट्रैक्ट, कैसे गया मैसेज, सिर्फ कैल्शियम भेज दिया हमने, ठीक है, और वो अपने आप अब काम कर, एसिटिल कोलाइन अंदर जा रहा है, मसल ने एक्शन लेने का डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, लुक हियर, स्टेप टू, एक्शन पोटेंशियल मूव्स अलोंग द टी ट्यूब्यूल, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ, टी ट्यूब्यूल मतलब जो चैनल था, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, देखिए ग्रीन कलर का कैल्शियम दिख रहा है आपको, इनटू सार्कोप्लाज्म, मसल के साइटोप्लाज्म में, पहले नहीं था बाद में कैल्शियम आ गया, वो किसको बाइंड हो रहा है क्लास, लास्ट लाइन पढ़िए, ट्रोपोनिन को, किसको बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन, देख एंट्री ऑफ कैल्शियम, यस बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन, आ जाके अटैच, अटैच हो गया, अटैच, और अब वो क्या करता है, लेट्स सी, ये देखिए कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आर एक्सपोज्ड, उसने ट्रोपोमायोसिन को हटा दिया, तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो एक्सपोज हो गई है, यहाँ ये जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट है वो अभी दिख रहे हैं, तो मायोसिन इमिडिएटली उसको बाइंड होने जाएगा विद हेल्प ऑफ ब्रेकिंग द एटीपी, एडीपी एंड पी ब्रेक हुआ मतलब एनर्जी रिलीज हुई और ये क्रॉस ब्रिज बन के उसको ज्वाइन हो गया, देखिए एनर्जी रिलीज, मायोसिन हेड टर्न्स, इट पुल्स द एक्टिन, पावर स्ट्रोक लिखा, देखो पावर पुल्स द एक्टिन, तो उसने एक्टिन को खींच लिया, वॉक अलोन, मैंने बोला था मम्मी किसको खींच रही है, बेबी को ना, आई यूज दिस वर्ड, ये मायोसिन इज द मदर, ये मदर अपने हाथ से ये बेबी को खींच रही, ठीक है, तो उसको पुल किया उसने, ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो लिखा है मायोसिन बाइंड्स टू मायोसिन बाइंडिंग साइट, यस एटीपी बाइंड रिजल्टिंग इन डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन, वो टर्न होके बाद देखो नीचे डायग्राम में सेपरेट हो गए, टर्न हुआ, घूमा हुआ दिख रहा है मायोसिन, अब सेपरेट, ये देखिए गैप आ गया नहीं, लेकिन उसने ऑलरेडी एक्टिन को यहां से यहां खींच लिया, ऑलरेडी पुल कर दी, एज मायोसिन हेड बाइंड्स एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटैचेड, और एक एटीपी आया, क्रॉस ब्रिज इज डिटैच सेपरेट, मतलब मसल एक्शन के लिए एटीपी कंपल्सरी है, चाहिए ही, कंपल्सरी हमें चाहिए, ठीक है, आर यू गेटिंग इट क्लास, देखिए इज दैट क्लियर, तो आप पूरी थ्योरी को एक बार पढ़िए, द क्रॉस ब्रिज स्विंग्स आउट, क्रॉस ब्रिज मतलब हेड और वो आर्म, फ्रॉम द थिक फिलामेंट and attaches to the thin filament, attaches to the thin filament, the cross bridge changes shape and rotates 45 degree, rotates 45 degree ka matlab kya hai, matlab kya hai, yes rotates matlab uska jo head turn, just a minute class, sorry class, sorry class, extremely sorry, see the cross bridge changes shape, usne apne shape turn kiya, rotate kiya, ATP generate kiya aur power stroke se usne actin ko pull, third step ko dekh, third wala diagram, fourth diagram it changes back to its original shape, detach ho gaya, ab wo fir se attach nahi hoga jab tak ki naya calcium nahi ho, this is sliding filament, ये वही डायग्राम जो बिगनिंग में भी दिया था अभी भी दिया, सो दैट यू अंडरस्टैंड, बट दिस डायग्राम इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरा, एकदम क्लियर नहीं है, ओके, तो आपको पता होना चाहिए एंट्री ऑफ कैल्शियम,
मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज, क्रॉस ब्रिज गोज अप, अटैचेस, रोटेट्स, पुल्स एक्टिन, सेपरेट्स, अगेन साइकिल कंटिन्यू अगर कैल्शियम है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही चीज है सेम। इतने सारे डायग्राम क्यों रखे मैंने, कभी किसी को एक में समझ में आता है, किसी को दूसरे में, तो जिसको जैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब वो डायग्राम जो हमने शुरू में पढ़ा नहीं था, मैंने कहा था ये पूरा सीक्वेंस है, ये भी ऐसे आंसर लिख, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, न्यूरॉन इज ब्रिंगिंग न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन टू द मसल फाइबर, बराबर, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब मैसेज आ गया इसको सार्कोलिम्मा मसल की मेम्ब्रेन, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, बराबर है, एक्टिन का जो मास्क है ओके वो हट जाएगा तो मायोसिन उधर आके बाइंड हो जाएगा, अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट, मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, जेड लाइन इज पुल्ड इनवर्ड, जेड लाइन क्योंकि एक्टिन को पुल किया गया, सार्कोमियर हो गया छोटा, एक्टिन फिलामेंट इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, मायोसिन रिलीजेस एडीपी गोज बैक टू नॉर्मल कंडीशन, प्रोसेस रिपीट्स, अगर कैल्शियम आया तो फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए एक बार आप खुद रीड कीजिए, आर यू अंडरस्टैंड, ये अभी तक जो हम बोल रहे थे, अगर मुझे आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना, आप उसको लाइन में भी स्टेप में लिख सकते हैं, पर दिस इज हाउ द आंसर इज एक्सपेक्ट। देखिए आपके बुक में भी एक टेबल बना रखा है, उसमें एक सीक्वेंस दे रखी, ऐसे 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 होगा, इतने सारे डायग्राम नहीं है बुक में, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आता, मतलब आई पर्सनली बिलीव समझ में नहीं आता, इसलिए मैं टिपिकली वैसा दिखा रही हूँ। एक बार खुद रीड कीजिए, एक सिंपल चीज है, ब्रेन से मैसेज आया, न्यूरॉन लेके आया, न्यूरो ट्रांसमीटर भेजा गया एसिटिल कोलाइन, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ कि यस कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ब्रेन ने बोला है, तो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन को, ट्रोपोनिन पुल करता है ट्रोपोमायोसिन को, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाती है, मायोसिन अपने हेड को टर्न करता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है और एक्टिन को पुल कर देता, एक्टिन जैसे ही पुल करते हैं सार्कोमियर छोटा हो जाता है, ठीक है, मायोसिन एटीपी रिलीज करता है और अपनी पोजिशन में बैक आ जाता है, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल कैल्शियम आयन इज देयर। Is it very clear, class? Yes, ma'am. थोड़ा टाइम लगेगा आपको अंडरस्टैंड करने में और टोटली जाने में, ऐसे डोंट वरी अगर एक जर्क में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में, फाइन। सो दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्लास, आई डोंट नो वेदर इन एग्जाम इट कम्स ऑफन और नॉट, I will say not, but chapter का बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया, तो फिर यही एक क्वेश्चन है जो आना चाहिए, दूसरा नीट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे, सो यू cannot escape, आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है, is that clear? So this is sliding filament theory. अब आप इसको देखिए जो मैंने कहा था बाद में लिखा, तो ये अब आप एक्टिन और मायोसिन को देखिए, मायोसिन एक्टिन को पुल कर रहा, देखिए एक्टिन नजदीक आ रहा है, सेकेंड वाले डायग्राम को देखिए पहले के कंपैरिजन में, देखिए ये गैप कम हो रहा है, देखिए क्लास, और जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा देखिए कितना छोटा हो, ये देखिए ये गैप देखिए, आर यू गेटिंग इट, है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन डिड यू नोट कि एक्टिन और मायोसिन के साइज में चेंज नहीं, देख ये मायोसिन उतना ही लंबा, एक्टिन भी उतना ही, खाली वो ओवरलैप हो गए, देखिए पहले कम ओवरलैप,
दैट इज वाई इट इज स्लाइडिंग फिलामेंट। सी और एक डायग्राम देखते, देखो बीच का गैप एकदम कम हो गया, देखिए सी ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई बैंड छोटा हो गया, एक लाइन थी ना, आई बैंड बिकम शॉर्ट। देखिए आई बैंड को छोटा दिख रहा है कि नहीं, ये आई बैंड था ना, अब किधर गया वो आई बैंड, इधर नहीं है, देखो छोटा हो गया क्योंकि एक्टिन नजदीक आ गए, है ना। आर यू वेटिंग इट? यस मैम। ऐसा डायग्राम है एनसीईआरटी के बुक में, इसलिए मैंने ये डायग्राम रखा है। और ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन के साथ रखा ताकि आप उसको देखते देखते पढ़ सको। फर्स्ट वाला डायग्राम इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, तो जेड लाइन एकदम दूर दूर है। सेकेंड वाला पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो थोड़ी नजदीक आ गई। और थर्ड वाला फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट, जेड लाइन्स आर वेरी क्लोज। ब्लैक लाइन को देखिए, वो नजदीक आ गई, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। सी द आई बैंड डिसअपियर्स, लुक एट द लास्ट लाइन इफ यू आर एबल टू रीड। The eye band disappears. ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में है, इसीलिए मैंने रखा उसको नीट वालों के लिए। इसको एक बार पढ़ लीजिए, दिस एक लाइन में ये ब्रीफ बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन, बट कभी कभी ये बहुत काम आता है। रिलैक्स मसल में मायोसिन कैनॉट बाइंड टू एक्टिन, फर्स्ट लाइन कैनॉट बाइंड, ठीक है, बिकॉज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आर ब्लॉक्ड बाय ट्रोपोमायोसिन, और उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। जब रिसेप्टर सिग्नल आता है, सेकेंड लाइन पे हूँ मैं, सेकेंड पॉइंट पे, तो कैल्शियम आयन ओपन हो जाते हैं चैनल्स, तो ट्रोपोनिन रिलीज हो जाता है, उससे एक्टिन बाइंडिंग साइट खुल जाती है। मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, थर्ड पॉइंट पे हूँ। मायोसिन हेड बेंड्स बाय स्पेंडिंग एटीपी, करेक्ट, एंड इट अटैचेस टू एक्टिन फिलामेंट। जब रिलैक्स सिग्नल आता है तो कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं, ट्रोपोनिन रुक जाता है, ट्रोपोमायोसिन फिर से ब्लॉक हो जाता है, मायोसिन हेड फिर से बैक ऑन, ठीक है। ये देखिए मायोसिन पुल कर रहा है एक्टिन को, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, हेड उसको पुल कर रहा है ना। So this is sliding filament theory. I hope you are getting it. Yes, class. Is it very yes, clear, ma'am. class? Yes, ma'am. थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने स्टेप वन स्टेप टू ऐसे धीरे धीरे वैसे भी डाला, सो दैट। और ये भी एक फुल, आप ऐसा भी पूरा लिखोगे ना आंसर, इतना भी तो काफी होगा। बट डायग्राम ये है, हमारे टेक्स्ट बुक का डायग्राम ये है, पर बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। इज दैट क्लियर? वन मिनट है क्लास, जस्ट अ मिनट, आई विल ट्राई टू शेयर समथिंग, वन मिनट, लेट मी सी आई हैव इट और नॉट। हाँ तो सही अभी मुझे मिलना चाहिए। क्लास ये देखिए, आई होप इससे शायद कुछ चीजें क्लियर हो। Is it visible? Yes, ma'am. हाँ जरा देखो एक बार फिलामेंट थ्योरी को। The mechanism behind the action is not. Contraction of skeletal muscle tissue occurs when actin and myosin myofilaments slide past one another, causing the sarcomere to shorten.
It is important to note that the individual myofilaments do not change length themselves, but instead overlap each other to shorten the sarcomere. Moving in for a closer look, we can see the details of how this occurs. The molecules you see here are myosin, which at rest has both adenine diphosphate and phosphate molecules attached at the individual myosin heads, actin, tropomyosin, and troponin. When we decide to move, calcium is released from the sarcoplasmic reticulum. These molecules bind with the troponin molecules. This causes the tropomyosin molecules to move, calcium, revealing myosin attachments that only act in myofilaments. The single phosphate attached to the myosin heads gets released as the heads move to connect with the attachments. The resulting formation is called a crossbridge. The remaining adenine diphosphate molecule is then expended in what is called a power stroke when the myosin heads pull the actin. Once the adenine diphosphate attachment is spent, adenine triphosphate molecules attach themselves to the myosin heads. These molecules trigger the release of the myosin heads from the actin attachment sites and are immediately broken down into adenine diphosphate and single phosphate as the heads move back into their resting position. This is called the recovery stroke. If calcium is still present, the cycle will repeat again, and the sarcomere will continue to shorten until the calcium ion the muscle relaxes. Are you getting class? It was just to explain you the basic few things. I hope you got it. 1 minute. मैं वो वीडियो आपके ग्रुप में भी भेज दूंगी सो दैट यू कैन सी इट और एक भेज दूंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कभी कभी मूवमेंट देख के समझ में आता है कि वो एक्टिन मायोसिन को कैसे पुल कर रहा है. ओके सो वी विल बी सीइंग दैट आल्सो. उसमें कैसे दिखाई देता हमको कि वो कैसे पुल कर रहा है. आपको हेड का मूवमेंट दिखाई दे रहा था ना, करेक्ट? सो लाइक दैट वी विल बी सीइंग. ओके सो आई विल बी सेंडिंग इट. फाइन, और एक भेजूंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड. नाउ क्लास, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑलमोस्ट. ओके तो हम मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं. तो फर्स्ट वन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड रिगर मोर्टिस. व्हाट इज रिगर मोर्टिस? मोर्टिस का मतलब होता है डेथ. ओके, रिगर का मतलब यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाना. ठीक है, तो मसल्स के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा ब्रेन उनको बोलता है रिलैक्स हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना. क्लास, मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना. लेकिन हमारा ब्रेन जैसे ही कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलता है? रिलैक्स हो जाए. तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड रह गया बहुत देर तक तो इट विल डाई. अभी मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूँ. सपोज मुझे आपको पनिशमेंट देना है और हम बोलते हैं ना हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए. सपोज आपने हाथ ऊपर कर रखे, ठीक है, तो आप कितनी देर अपने दोनों हाथ ऊपर रख सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके रेज योर हैंड बोला मैंने आपको. तो चलो एक मिनट हो गया, दो हो गया, है कि नहीं? दस मिनट हो गए, फिर हाथ दुखने लगते हैं अगर हमने हाथ ऊपर कर रखे हैं. तो क्या होता है, वो मसल एक ही पोजीशन में, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टेड है ना क्लास, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है आपने, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें पेन होने लगता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकता, उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी. ठीक है, सपोज आप खड़े, आप नॉर्मल अपनी जहां पे भी वहां पे खड़े, ठीक है, आपको बोला खड़े रहो, तो कितनी देर खड़े हो सकते हैं? एक घंटा, दो घंटा, बिना हिले. मैं बोल रही हूँ मूव नहीं करना, ठीक है, जगह पे खड़े हो तो क्या होगा, काफी टाइम बाद हमारे पैर दुखने लगेंगे क्योंकि वो एक ही पोजिशन पे मसल रह जा रहा. क्लास, जब हम सोते भी हैं, व्हेन वी गो टू स्लीप, तो आप नींद में 10 बार इधर उधर टर्न होते हो, करेक्ट? क्यों?
क्योंकि मसल आपके कॉन्ट्रैक्टेड फेज से दूसरे फेज में जा, वो शिफ्ट करने के उधर उधर मूव नहीं कर, ठीक है। सो इफ द मसल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएगा तो उसकी डेथ हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस, ठीक है। मसल स्टिफ हो जाते, कड़क हो जाते और फिर वो कभी रिलैक्स नहीं हो सकते। तो नॉर्मली तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, अगर हम लिविंग है और मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं उस पोजिशन चेंज करूंगी, है ना। अभी आप घर पे जहां पे भी बैठ के आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपका पैर एक पैर दूसरे पे या हाथ एक कोई पोजिशन पे होगा, थोड़ी देर बाद आप क्या करते हो उसको चेंज कर, हम हिलते डुलते रहते हैं ना, क्योंकि एक ही पोजिशन पे आप रह नहीं सकते, नहीं तो हाथ पैर दुखने लगेंगे आप। तो डेड बॉडी के साथ क्या होता है, वो है रिगर मोर्टिस, द मस्क्यूलर स्टिफनिंग। अभी आप एज में काफी छोटे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कोई डेड बॉडी नहीं देखी होगी, आई डोंट नो, बट इफ यू सी अ डेड बॉडी, वो पूरी ऐसे स्टिफ हो जाती, उसके हाथ पैर एकदम ऐसे कड़क होने, टाइट हो जाते। अगर डेड बॉडी के हाथ में सपोज कुछ है तो उसको उसके हाथ से निकालना मुश्किल हो जाता है, ओके। जैसे अगर डेड बॉडी ने कोई अंगूठी पहन रखी, ओके, और हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो हमने बहुत देर बाद की, समझो 10 घंटे बाद कोशिश की, तो उसके हाथ पैर ऐसे कड़क हो जाते हैं और उसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस, मस्क्यूलर स्टिफनिंग। यू कैन सी, क्योंकि ब्लड कनेक्शन कम हो जाता है, मस्क्यूलर स्टिफनिंग सम आर आफ्टर द डेथ बिकॉज द पर्सन इज डेड और मसल उसके स्टिफ होते जा रहे और उसके बॉडी में तो लाइफ और ब्लड फ्लो नहीं है, सो देर विल बी नो ब्लड फ्लो एंड सो द मसल्स विल रिमेन स्टिफ, दैट इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। और वो बहुत ही यूजफुल होता है ये पता करने के लिए कि डेथ कब हुई है, वो पता करने के लिए इट इज वेरी वेरी यूजफुल। क्यों, डेथ के 4 घंटे बाद मसल कितना स्टिफ होगा, 5 घंटे बाद कितना होगा, 10 घंटे बाद कितना होगा, उससे मालूम पड़ जाता है कि मसल कितना स्टिफ हुआ, ओके। सो दैट इज कॉल्ड अ वेरी इम्पॉर्टेंट टूल इन फिक्सिंग द आर्स ऑफ डेथ, fixing the hours of death. Okay, and death के बाद क्या हम बॉडी को एटीपी दे सकती है, बॉडी नहीं दे सकती। तो मसल्स आपने अभी अभी देखा कि एटीपी आता है तब मायोसिन मूव होता है, फिर सेपरेट होता है तो एटीपी ब्रेक होता है, isn't it? तो आफ्टर डेथ तो ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए मसल रिलैक्स हो ही नहीं पाता, वो जिस स्टेज में वैसा रह जाता, ठीक है। सो एटीपी इज नो मोर अवेलेबल, यू कैन सी हियर, इम्पॉसिबल है। लोकल जो बच्चा कुछ है एटीपी वो खत्म हो गया, तो डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन होता ही नहीं है एंड द मसल बिकम्स परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड, इट बिकम्स परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड एंड दैट इज नोन एज रिगर मोर्टिस, ओके। व्हाट इज रिगर मोर्टिस, देखिए, कैन यू राइट अ नोट ऑन इट, रिगर मोर्टिस इज स्टिफनिंग ऑफ मसल, मसल का जकड़ जाना, अकड़ जाना, ठीक है। सम आर आफ्टर डेथ, पहले तो बॉडी में ब्लड और थोड़ा बहुत हीट और एटीपी होगा, जितना भी होगा वो बॉडी यूज करती रहेगी, बराबर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, टेम्परेचर डेड बॉडी को अगर हम टच करते हैं वो एकदम ठंडी हो जाती, ठंडी होती जाती और मसल कड़क अकड़ने लगता, दैट इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। क्या काम है उससे, यूजफुल किधर होता है, अगर हमें ज्यादातर स्पेशली क्रिमिनल केसेस वगैरह में अगर डेड बॉडी कब डेथ हुई पता करनी होती है तो उससे फिक उससे मालूम पड़ जाता है कि 4 घंटे पहले हुई है या 10 घंटे पहले डेथ हुई है, ऐसा होता, ठीक है। उससे मसल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और मसल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब मसल की डेथ हो गई, ठीक है। प्लस अगर हमारा मसल थोड़ी देर भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमको आ जाता है क्रैम्प, कभी कभी क्रैम्प आता है आपको अचानक से, एकदम अचानक बहुत दर्द होता है, कोई मसल अकड़ जाता है, उस वक्त वो पैर को या हाथ को हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस मैम,
ये है ना, जस्ट जस्ट फॉर अ मिनट होता है लेकिन एकदम हालत खराब हो जाती है, बहुत बार नींद में होता है। तो वो क्या होता है कि आपके मसल एक अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो गए और रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है, बहुत पेनफुल हो, करेक्ट। अब नेचुरली डेड बॉडी को तो पेन नहीं होगा, बट इसीलिए उसको मोर्टिस बोलते हैं, मोर्टिस का मतलब डेथ, ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज मसल की, रिगर मोर्टिस एक प्रॉपर्टी, हमें मसल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज करनी, आपके टेक्स्ट बुक में एक बड़े से उसमें दिया हुआ है टेबल जैसा, उसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, ठीक है। जब भी हम मसल को मूव करते हैं तो कोई ना कोई स्टिम्यूलस भेजना पड़ेगा ना आपको, तब जाके वो मूव होगा। तो सिंगल मसल ट्विच और मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड, मतलब स्टार्टेड बाय अ ब्रीथ, छोटा सा स्टिम्यूलस दिया, तो उसको बोलते हैं सिंगल मसल ट्विच। उसमें तीन स्टेजेस होते हैं, पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो रिलैक्स होता है, सिंपल। नो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही मैसेज आया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या, रिलैक्स होना, नहीं तो डेथ हो जाएगी उसको। आर यू गेटिंग इट? सो सिंगल मसल ट्विच मींस अ स्टिम्यूलस कम्स, अनकॉन्ट्रैक्टेड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, फिर से स्टिम्यूलस आएगा तो फिर से क्या होगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दिस कीप्स ऑन गोइंग ऑन, इट इज कॉल्ड अ सिंगल मसल ट्विच। समेशन, ठीक है, अगर हमने एक स्टिम्यूलस भेजा और रिलैक्स होने के पहले ही दूसरा भेज, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के पहले दूसरा भेज दिया, फिर उसके रिलैक्स होने के पहले ही तीसरा भेज, मतलब मैं बार बार स्टिम्यूलस भेज रही हूं बहुत जल्दी में, तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का स्टिम्यूलस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होने दिया, तुरंत दूसरा भेज दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या होगा, समेशन एडिशन इफेक्ट हो गया। आर यू गेटिंग इट? इट्स लाइक आप ऐड करते जा रहे हो कॉन्ट्रैक्शन को बिफोर द मसल कुड रिलैक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेयरकेस फिनोमेना। स्टेयरकेस फिनोमेना क्या होता है? स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी। तो जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, ऐसे इमेजिन करो आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, तो आप जब एक पाव ऊपर रखते हो ऑटोमेटिकली दूसरा पैर उठता है ना, ऑटोमेटिकली, जैसे दूसरा ऊपर रखते हो पीछे वाला पैर उठ जाता है, तो एक रखा दूसरा, दूसरा तीसरा, वो चलता रहता है, दैट इज स्टेयरकेस फिनोमेना, ठीक है। अगर आप रिपीटेड स्टिम्यूलस दोगे तो मसल बार बार क्या होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, उसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। समेशन, समेशन मतलब जोड़ना, तो एडिशन होता जाएगा, एक बार धक्का मारा, फिर धक्का मारा, फिर धक्का मारा, तो धक्का देते 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 वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी टेटनस, ओके, टेटनस या टिटानी। टिटानी इज अगर स्टिम्यूलस बहुत ही जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, ओके, और मसल को जरा भी रिलैक्स नहीं होने दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाए, एंड दैट इज कॉल्ड टिटानी। जो मैंने कहा था अचानक मसल कॉन्ट्रैक्ट होके पेन होने लगता है, यस, वो उसको बोलते हैं टिटानस, टिटानी। टिटानी क्या होता है कि हमने स्टिम्यूलस इतना ज्यादा दे दिया है, इतनी जल्दी 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 दिया है कि क्या हो गया, मसल रिलैक्स ही नहीं हो, ओके, बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो रहा, तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड रह जाता, कॉन्ट्रैक्टेड रह जाता है, तो अब वो अटक गए, अटक गया, अब क्या होगा, वो टिटानस स्टेट में आ गए, वो थोड़ा टाइम लेगा, पहले मसल अपनी रिकवरी करेगा, फिर नॉर्मलाइज होगा, फिर वो ठीक हो जाए, उसमें हमें पेन भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बार कैल्शियम की कमी की वजह से भी टिटानी होती है, आपने देखा है कैल्शियम कितना नेसेसरी है मसल को मूव करने की, तो अगर कैल्शियम की कमी भी होती है तो मसल एक जगह पे अटक सकता है और उससे भी टिटानी, ओके। सो टिटानस रैपिड मतलब बहुत ही फास्ट स्टिम्यूलस, जरा भी टाइम नहीं देना रिलैक्स करने को, तो मसल अटक सकता, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अगर स्टिम्यूलस भेजेंगे वो दोनों कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक बहुत ही छोटा सा उसको गैप मिलना जरूरी है,
that is called the recovery or the refactoring period. Refactoring मतलब फिर से नॉर्मलाइज होने के लिए उसको कितना सेकेंड लिखा है क्लास, बहुत ही कम, 0.02, मतलब एक सेकेंड भी नहीं, तो कम से कम थोड़ा सा गैप तो चाहिए ना उसको भी नॉर्मलाइज होने के, 0.02 सेकेंड का रिफ्रैक्टरी पीरियड उसको देना जरूरी, ठीक है. इमीडिएटली आफ्टर वन स्टिमुलस मसल फाइबर कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू अनदर. अगर हमने 0.02 सेकेंड से फास्ट स्टिमुलस भेज दिया तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी तक नॉर्मलाइज हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और उसको बोलते रिफ्रैक्टरी पीरियड में उसको देना जरूरी. अगर हमने बहुत ही फास्ट किया तो वो अटक जाएगा, फिर वो टिटैनी में चला जाएगा. थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कि द स्टिमुलस जो भी आप स्टिमुलस भेज रहे हो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसमें इतना स्ट्रेंथ होना जरूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो. कभी कभी स्टिमुलस बहुत ही माइनर होता और मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो कम से कम कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कम से कम द मिनिमम मिनिमम स्ट्रेंथ विच इज नीडेड फॉर एनी स्टिमुलाय फॉर द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सर्टेन अमाउंट का स्टिमुलस तो चाहिए ना, जिसकी वजह से वो उसके पास मैसेज पहुंचेगा, सो दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाय. ओके, तो वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इज दैट क्लियर? मतलब बहुत ही कम स्टिमुलस होगा तो भी मसल काम नहीं करेगा, टू फास्ट होगा बार 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 कोई स्टिमुलस देंगे तो भी वो अटक जाएगा कहीं पे, करेक्ट, वो अटक जाएगा, तो वो स्टेज को हम टिटैनस बोलते हैं. डेथ के बाद जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसको हम रिगर मॉर्टिस बोलते हैं, करेक्ट. वहां पे तो बॉडी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बॉडी की डेथ हो गई है, वो एनर्जी जनरेट ही नहीं कर सकती. सिंगल कॉन्ट्रैक्शन को हम सिंगल मसल ट्विच बोलते हैं, करेक्ट. बार बार अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रॉपर ड्यूरेशन में तो उसको समेशन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ता जाए. इज दैट क्लियर? यस क्लास. ओके, अभी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बाकी है, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, फाइन. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली इन द फर्स्ट 20 मिनट्स ये चैप्टर खत्म हो जाना, बट फिर भी मैं पीडीएफ फिर भी भेज देती हूँ. हाँ जी, दो तीन प्रॉपर्टीज बाकी है और कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, तो वो मैं पीडीएफ फिर भी आज भेज देती हूँ, ठीक है. जस्ट अ मिनट क्लास, कल दिस. ओके क्लास, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, बट रीड इट प्रॉपरली. तो नेक्स्ट लेक्चर में बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं जब ये एंड करूंगी तो कोई डाउट होगा तो लेकर आना, ठीक है. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आप ठीक से पढ़ते हैं. ओके क्लास. ओके मैम. या बाय. ठीक है, बाय बाय मैम. थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय मैम.